हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप सभी अच्छे हैं। और या वेलकम बैक टू 10 गे ब्लॉग्स। और आज हमारे पास है एक डब्बा जो कि आप देख सकते हैं सामने है। मैं एक्चुअली एक्साइटेड हूँ काफ़ी, मगर मैंने तो थोड़ा खोल के देख लिया है, अनबॉक्सिंग हो चुकी है, मगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि बॉक्स के कंटेंट्स क्या हैं और ये बॉक्स मैंने क्यों लिया है। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा टूरिंग वगैरह करूँ, या और अपनी जो जर्नी है, टूरिंग की जर्नी, वो आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसी कारण से मैंने ये व्लॉग, ये चैनल स्टार्ट किया है। होप आप सभी का मुझे सपोर्ट मिलेगा, आप सभी का सपोर्ट मिलेगा तो हम साथ में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो मैं अभी तो मेरे पास बाइक भी नहीं है, मैं बाइक लेने वाला हूँ, सोच रहा हूँ कौन सी बाइक लूँ। मोस्टली टूरिंग जैसी बाइक ही लूँगा जो कि टूरिंग के लिए काफ़ी अच्छी हो। ऑफ रोडिंग वाली बाइक्स भी है, मगर देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑफ रोडिंग तो उतना करूँगा नहीं करूँगा, वो तो है, लेकिन या ऐसे डर्ट बाइक जैसा तो नहीं चाहिए मुझको। मुझको चाहिए एक टूरिंग बाइक, और इसीलिए मैं इस टूरिंग के लिए भी जो भी सेटअप है, गियर्स, उसके बाद एक्सेसरीज, और फिर बाइक, बाइक तो लेना है, अभी मैंने लिया नहीं है जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें ओपन है अभी, और एक एक करके मैं कोशिश कर रहा हूँ लेने की। और या इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने जो अभी पहला गियर लिया हुआ है, गियर और थोड़े से सामान है उसके साथ, तो क्या क्या है, और उसका रिव्यू भी कर लेंगे हम साथ में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक्सोर का हेलमेट है, और मैंने लिया है क्या क्या, चलिए देखेंगे। तो मैंने लिया है एक ये वाइज़र लिया है, एक एडिशनल जो कि इरिडियम है, टिंट इसका पिंकिश है या रेड जैसा भी हम बोलेंगे, ऐसा है इसका टिंट। तो देखिए इसका, ये एक्चुअली हेलमेट के साथ नहीं आया, ये मैंने अलग से लिया है, ताकि जब भी टूरिंग में सपोज़ बहुत ज़्यादा धूप लग रही है या फिर सन सूर्य देवता का प्रकोप ज़्यादा है तो हम इसे लगा सकते हैं। तो ये एक है, पिंक कलर का है, या दिखता तो ऐसे ही पिंक है, अभी धूप में शायद थोड़ा सा दूसरा टिंट भी है, हो सकता है। वैसे ये एक कलर था और दूसरा था ब्लूइश काइंड ऑफ, तो मैंने सोचा कि यही लेते हैं, थोड़ा फंकी भी लग रहा है, थोड़ा कूल भी है और धूप में भी थोड़ा हेल्प करेगा, हीट को रिड्यूस करेगा हेलमेट के अंदर आने से। तो ये है पहली चीज़। उसके बाद ये मुझे हेलमेट के साथ मिला है, ये जो है ये रियर स्पॉइलर है हेलमेट में जो लगाना है। तो ये भी हम एक्चुअली, मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसका एक अलग से वीडियो बनाया जाए कि कैसे हम इसको फिट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी ये पहली बार है और आप में से भी काफ़ी लोगों के लिए ये पहली बार हो सकता है कि आपको ऐसा फिट करना है कुछ। तो ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं उसको दूसरे एक व्लॉग में डालें। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसे दूसरे व्लॉग में डालना चाहिए या फिर मैं इसी व्लॉग में डाल दूं, जैसा भी, लेकिन थोड़ा दूसरा व्लॉग मुझे लगता है कि बेहतर होगा, क्योंकि एक ही व्लॉग में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया तो बहुत लंबा भी हो सकता है व्लॉग, और फिर या एक ही व्लॉग में फिर हमारा सारा मज़ा चला जाएगा, है ना। उसके बाद मैंने ये लिया है, ये रायडा का बालाक्लावा, अभी तो मैंने सिर्फ एक लिया था सैंपल के लिए कि कैसा है, ये काफ़ी अच्छा है। इसे पहनने के बाद हेलमेट जो है थोड़ा इजीली अंदर चला जाता है, हेलमेट क्योंकि नया है तो वो थोड़ा टाइट है। मैंने सुना कि
हेलमेट का भी अभी जैसे कि हमें पता है ना, सभी गियर्स का ब्रेक इन करना चाहिए हमें, तो हेलमेट का अराउंड 15 डेज़ लगेगा शायद ब्रेक इन होने में। तो वो हेलमेट हमारे जो सर का शेप है वो थोड़े दिन के बाद, 15 दिन के बाद ले लेगा। अभी तो वो थोड़ा टाइट फिट होता है गाल में, और पहनने में पहनते टाइम भी वो एक्चुअली बहुत टाइटली अंदर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि छोटा साइज ले लिया, मगर वो वैसा ही है ना। तो ये एक मैंने अभी सैंपल के लिए लिया था राइडा का बालाक्लावा, तो ये मुझे अच्छा लगा। थोड़ा सा ऊपर सर के जो ये है हमारा जो फोर हेड, वहाँ पे थोड़ा सा ढीला है, लेकिन चलता है। हेलमेट पहनते वक्त हेलमेट एक्चुअली स्लाइड इन हो जाता है इजीली। तो ये मैं राइडा से, अभी तो मेरा चैनल नया है तो किसी का भी ये मोनेटाइज्ड ऐसा कुछ है नहीं, और राइडा ने भी ये मुझे कुछ दिया नहीं है कि उनका प्रोडक्ट शोकेस करना है, मगर मैंने लिया है तो मैं जस्ट चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं। एक्सोर का भी ऐसा ही है, मैं बस शेयर कर रहा हूं। अच्छा नहीं है कि एक्सोर का मैं प्रोडक्ट या स्पॉन्सरशिप मिली है या ऐसा कुछ। उसके बाद मैंने लिए थे ये दो एयरप्लेन लाइट्स जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे, जो कि अराउंड 7 to 8 डिफरेंट LEDs कलर्स डिस्प्ले करते हैं। ये भी हम एक ब्लॉग में देख लेंगे, छोटा सा शॉर्ट्स बना लूँगा या रील डाल देता हूँ जिसमें कि इसके डिफरेंट कलर्स और जो पैटर्न्स हैं वो भी अलग अलग हैं अराउंड। मैंने इसको चार्ज कर लिया है दोनों को, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इसमें क्या मिलता है आपको कि वो जो LED लाइट है वो एक मिलता है, एक छोटा सा चार्जिंग केबल मिलता है, और दो ऐसे ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ना वो एक्चुअली स्टिकर्स है, दो ऐसे स्टिकर्स मिल जाते हैं। तो मैंने एक्चुअली प्लान किया था एक तो शायद मैं हेलमेट में लगा लूँ या बाइक में लगा लूँ, और दूसरा जो है वो ऐसे जस्ट फॉर फन या फिर घर पे अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी अच्छा हो सकता है खेलने के लिए, दिखाने के लिए। मगर ये लाइट्स एक्चुअली मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रांग है, सो डायरेक्टली बहुत पास से आँखों में तो नहीं लगना चाहिए, बच्चों के लिए भी शायद अच्छा ना हो। तो या बस दूर से हम खेल दिखा सकते हैं। तो या उसके बाद जो है मैं, हाँ उसके बाद मुझे एक्सोर से मिला है ये स्टिकर एक एक्सोर हेलमेट्स का। इसको पता नहीं कहाँ लगाऊंगा, देखना पड़ेगा। अगर आपको कुछ आइडिया है या आपने लगाया है तो ज़रूर बताइएगा किधर लगा सकते हैं। और एक ये छोटा सा स्पॉइलर काइंड ऑफ मिला है, आई थिंक ये एडिशनल स्पॉइलर है कि किसी को वो बड़ा वाला स्पॉइलर पसंद आ जाए तो वो लगा सकता है, किसी को ये छोटा वाला पसंद आ जाए तो ये लगा सकते हैं। उसके बाद मुझे मिला है ये ब्लड ग्रुप का स्टिकर, कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका वो आप लगा सकते हो। उसके बाद अंदर में दो ये है क्या बोलते हैं जो ग्लो करते हैं ना लाइट में, रिफ्लेक्टर्स, या सॉरी कभी कभी भूल जाता हूँ कौन सा वर्ड है करके, तो रिफ्लेक्टर्स है दो वो मिला है। वो शायद हेलमेट में लगा लूँ या एक बाइक में लगा लूँ। उसके बाद ये है एग्जॉर का डब्बा, तो ये एक्चुअली फुल फेस हेलमेट है क्योंकि वही अच्छा रहता है टूरिंग के लिए या स्ट्रीट के लिए। और ये हेलमेट एक्चुअली यूरोपियन सर्टिफाइड भी है, 22.05 ECE सर्टिफाइड। उसके बाद USA का डॉट सर्टिफिकेशन भी है, और हमारे भारत का ISI सर्टिफाइड भी है। ये तो काफ़ी अच्छा है। तो ये मैंने एक्चुअली एग्जॉर से डायरेक्टली नहीं लिया, बट एक उनके सप्लायर से लिया है, काफ़ी अच्छे सप्लायर हैं। मे बी फ्यूचर में हम उनका भी बात, उनके बारे में भी बात कर सकते हैं, आप लोगों को पता हो सकता है कि कौन है। तो यह ऐसा एक डब्बा मिला, काफ़ी अच्छा पैकिंग था। ये ऊपर ऐसे फॉइल्स है, सॉफ्ट फॉइल्स। उसके बाद हेलमेट बैग है एक, ये बड़ा सा हेलमेट बैग है एक। एक मिनट में ये डब्बे को थोड़ा मूव कर लेता हूँ। तो ऐसा एक हेलमेट बैग है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, यूज़ कर सकते हैं हम। तो इसके अंदर है हेलमेट, तो एक काम करता हूँ मैं थोड़ा
ओपन करता हूँ। यार थोड़ा हाथ में लगा हुआ है ना, तो इसलिए पट्टी बांधी है, थोड़ा उधर पे दर्द है रिस्ट एरिया में। तो मैं ये खोल के बताता हूँ, क्योंकि एक हाथ से तो शायद नहीं खुलेगा। तो गाइस, ये है हमारा एग्जोर का हेलमेट। क्या आप जानते हैं कि ये कौन सा वेरिएंट है? तो एक्चुअली ये जो है, ये है एग्जोर का एपेक्स हेलमेट और हेक्स 2 इसका नाम है। एग्जोर एपेक्स हेक्स 2। और इसमें जो ग्राफिक्स है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये वाला चूज़ किया। एक्चुअली आपको डिफरेंट कलर्स या पैटर्न्स भी मिल जाएगा हेक्स 2 में। मुझे ये वाला थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा सटल है, ज़्यादा ऐसा आँखों में एकदम से चुभता नहीं है। धूप में भी ये काफ़ी नॉर्मल दिखेगा, ऐसा बहुत ग्लो। ये हाँ मैट है, तो ग्लॉसी नहीं है। मुझे मैट अच्छा लगता है, क्योंकि ग्लॉसी मेरे हिसाब से थोड़ा हम काफ़ी हाथ फिंगरप्रिंट्स ये सब बहुत ज़्यादा लग जाता है ना, तो उसको साफ़ करते रहना पड़ेगा काफ़ी। इसमें ऐसे फिंगरप्रिंट्स वगैरह कुछ लगता नहीं है। तो इसका ग्राफिक्स एक बार देख लीजिए आप कैसा है, कि एक्चुअली मैट ब्लैक ग्रे रेड ऐसा कुछ है इसका जो ग्राफिक्स पैटर्न है ना। तो इसमें आएगा आपको ब्लैक कलर, वाइट कलर, और फिर आगे जो है ऐसा एक रेड आता है। तो ये बहुत अच्छा हेलमेट लगा मुझको, मैंने ट्राई किया 2-3 बार। अभी तो इसका पहनना है घर पे ही, अभी तक उसका स्टिकर नहीं निकाला जैसे कि। तो मैं अभी, बाइक भी नहीं है तो मैं तो बस स्कूटर है एक, उसमें ही स्कूटर बोले तो, या स्कूटी, तो अभी तो वही थोड़ा बहुत चलाता हूँ। बाइक लेना है, आप लोग क्यों नहीं मुझे हेल्प करते हैं कमेंट करके कि कौन सा बाइक अच्छा रहेगा टूरिंग के लिए। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा आपसे सुन के कि आप लोग कौन सा बार बोल रहे हैं करके। तो जैसे कि यहाँ पे इसका ग्राफिक्स है ना, मुझे क्यों अच्छा लगा देखो, इधर पे हेक्स 2 ऐसा H2 बोल के लिखा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड में ऐसा ऐसा लगता है कि एक बेल्ट जैसा है, बेल्ट या बैंड लगाया हुआ है। 3D दिखता है, लेकिन ये काफ़ी प्रिंटेड है सब ग्राफिक्स, मगर देखने में बहुत ही बोलते हैं ना झकास ऐसा वाला लग रहा है मुझको। उसके बाद ये थोड़ा सा हैवी साइड में है, क्योंकि नया नया है ना, तो और जब हम तक ब्रेकिंग नहीं होता है या फिर हम उसके एडजस्ट नहीं हो जाता है, तो थोड़ा सा सर पे ऐसा लगता है कि थोड़ा भार है, मगर थोड़ी देर पहनने के बाद वो फीलिंग चला जाता है। मगर फिर भी ये कार्बन वाला नहीं है ना, तो इसीलिए इसमें थोड़ा वेट ज़्यादा है। और बैक साइड में जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर पे भी टेक्स्ट लिखा हुआ है एक्स और बोल के एपेक्स लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे जो सर्टिफिकेशंस है वो सब दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हो वेट अराउंड 1600 ग्राम्स है, थोड़ा यहाँ ज़्यादा है ना, आई थिंक 1200 में भी आते हैं हेलमेट, लेकिन वो थोड़ा बहुत महंगा रहेगा। तो इस साइड में भी सिमिलर ग्राफिक्स है, सिमेट्रिक है ग्राफिक्स, दोनों साइड में सेम टाइप ऑफ ग्राफिक्स है, ऐसा नहीं है कि एक साइड दूसरे दूसरे साइड कुछ और ही ग्राफिक्स है। उसके बाद वेंटिलेशन भी इसमें अच्छा है, यहाँ पे आपको 3D ऐसा लोगो मिल जाता है एक्स का। वेंटिलेशन में देखेंगे तो, 1 मिनट, तो वेंटिलेशन में जैसे कि आप देखेंगे कि, तो यहाँ पे एक है चिन चिन एरिया में, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, नीचे ओपन ऊपर क्लोज, नीचे ओपन ऊपर क्लोज। यहाँ पे एक वेंटिलेशन है, यहाँ पे एक है, ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, फिर सेम दूसरे साइड में भी वैसा ही है, क्लोज ओपन। 3 वेंटिलेशन फ्रंट में है, और रियर में जो है, रियर में एग्जिट ये है, एग्जॉस्ट है वेंटिलेशन का। यहाँ से जहाँ पे स्पॉइलर आएगा ना, ये जो 4 होल्स दिख रहे हैं हमें, तो ये एक्चुअली स्पॉइलर के लिए है। तो ये 4 होल्स में स्पॉइलर आ जाएगा।
उसके बाद या ये एंटी फॉग वाला है, तो ये जो येलो कलर का है वो एंटी फॉग पिन लॉक है। उसके बाद या इसमें पैडिंग भी काफ़ी अच्छी है, पैडिंग देखिए आप, थोड़ा लाइट इस साइड से आ रहा है ना, तो लाइट में दिखा देता हूँ। तो आप देखिए ये जो पैडिंग है, सॉरी अगर जूम इन जूम आउट हो रहा है, तो वो लेंस ऑटोमेटिकली कर रहा है। अभी तो मैं बस मोबाइल फ़ोन से ही ले रहा हूँ। उसके बाद इसमें आता है डी लॉक पिन बांधने के लिए। यहाँ पे दो पैडिंग है, ये सब रिमूवेबल है एक्चुअली, 100% रिमूव कर सकते हैं पैडिंग। अगर साइज़ मुझे ये काफ़ी टाइट लगेगा इवन आफ्टर 15 डेज, तो देखना पड़ेगा मुझे, मैं भी थोड़ा बड़ा एक अगला बड़ा साइज़ का लाइनिंग्स या पैडिंग लेने पड़ेगा। तो इसमें एक्चुअली या और क्या है, इसमें आपको मिल जाता है कम्युनिकेशन डिवाइस सेटअप करने के लिए पॉकेट्स, अंदर जो है दोनों कान के साइड पे पॉकेट्स मिल जाएगा, और आगे की साइड पे ये जो चिन चिन कवर है ये भी एक्चुअली अच्छा है। क्योंकि अगर हम मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं और माइक सेटअप है, तो ये जो एयर फ्लो है, एयर फ्लो ये थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करेगा, और जिसके कारण माइक में उतनी नॉइस नहीं प्रोड्यूस होगा ना, तो हम जो भी बात बोलना चाहते हैं वो इजीली और क्लियरली सबको माइक में रिकॉर्ड हो जाएगा। और ऐसा कुछ है पैडिंग, है ना। और इसमें एक और चीज़ है, वो है इसमें है डुअल वाइज़र, या फिर एक सन वाइज़र भी है अंदर। तो ये जो एक्चुअली क्लियर वाइज़र है, आउटर वाइज़र, वो 3 स्टेप्स में ओपन होता है, तो हम फुल्ली ओपन करके रखना ऐसा नहीं है, हम 3 स्टेप्स में उसे ओपन कर सकते हैं। और ये देखिए, ये है साइड में एक बटन जैसा, तो इसको जब हम पीछे करेंगे तो वो जो वाइज़र है वो खुल जाएगा, सन वाइज़र, और आगे करेंगे तो वो वाइज़र जो है ऊपर चला जाएगा, है ना। तो अभी मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। तो ये मैं पीछे कर रहा हूँ, तो ये वाइज़र खुल गया अपना ना, सन वाइज़र। तो कभी बहुत गर्मी है या बहुत ह्यूमिड है, पसीना आ रहा है, तो उस टाइम पे हम ये बाहरी सन वाइज़र खोल के, बाहरी जो वाइज़र है उसके ओपन करके ये बस सन वाइज़र लगा सकते हैं, एक सन ग्लासेस। तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, देखिए जैसे कि फाइटर जेट्स प्लेन में जो पायलट्स रहते हैं उनके, वो जैसे जो चलाते हैं ना फाइटर प्लेन्स, तो वो ऐसा शायद यूज़ करते होंगे, मैंने देखा है कहीं पे। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो एक एलियन या फिर एक रोबोट इधर पे बैठा हुआ है ना, जो कि हमें देख रहा है, ऐसा दो आँखें उसकी यहाँ पे, और उसका चेहरा ये, और इसके ये माउथ पीस जहाँ से वो बोलेगा। तो या दिस इज़ द हेलमेट गाइस, होप यू लाइक इट आपने, और शायद आपके लिए यूज़फुल भी रहा होगा ये वीडियो। 18 मिनट ऐसा कुछ हो गया, देखता हूँ 18 मिनट लोड करता हूँ या फिर कम में अपलोड करता हूँ, मतलब कम टाइम का वाला। तो होप यू गाइस एन्जॉयड द वीडियो, होप आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल होगा आपके लिए भी। मैं तो अभी अभी बस चालू करने के लिए सोच रहा हूँ टूरिंग का, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी बाइक अच्छी है टूरिंग के लिए, और आपने कहाँ कहाँ टूरिंग किया हुआ है या करने वाले हैं, और आपके क्या प्लान्स हैं, और ये वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। तो मैं और भी जैसे जैसे नेक्स्ट गियर्स लेता रहूँगा वो आपके साथ शेयर करूँगा, होप आपको अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, और कुछ भी कमेंट कर दीजिए, और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हो भाई, और आपके पास कौन सी बाइक है, आप कौन सा गियर्स यूज़ करते हैं, कुछ भी कमेंट करिए आप, मुझे अच्छा लगेगा, और आपके साथ मैं भी रिप्लाई करूँगा कमेंट्स का, है ना। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही गियर्स का कुछ रिव्यू करते हुए,
जैसे मैं बाइक लूँगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, और टूरिंग भी करना चालू करूँगा तो व्लॉग्स बनाऊँगा वो भी शेयर करूँगा। और हाँ, अभी तो मैंने बस ये मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो टूरिंग के लिए मुझे कैमरा भी लेना है। बजट तो है या नहीं कुछ भी, बस ऐसे ही ले रहा हूँ अभी तो। डांट भी पड़ती है घर में, मम्मी डांटती है और फिर सब लोग डांटते हैं, पापा डांटते हैं, है ना। तो फिर लेकिन यार पैशन जैसा लग रहा है मुझे, ये करना चाहिए ऐसा, मोटो व्लॉगिंग, टूर्स पे जाना, नई नई जगह घूमना, और या पहाड़ हैं, घाट, बर्फ़ सब देखना चाहता हूँ। तो या और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, सपोर्ट कीजिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तभी और अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे। अभी तो ऐसे बेसिक सेटअप में जितना पॉसिबल है वो कर रहा हूँ, और आगे आपका सपोर्ट रहेगा तो सेटअप्स वगैरह इम्प्रूव करेंगे, वीडियोस की क्वालिटी और जो प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छा करेंगे, तो आपको भी मज़ा आएगा, एंटरटेन होंगे आप भी, और आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा, है ना, एनकरेजमेंट। तो या थैंक यू अगेन, हैव अ नाइस डे एवरीवन। एज आई सेड, ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। जल्दी पढ़ेंगे हम, आगे कदम से कदम मिला के आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, टिल नेक्स्ट टाइम, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।